कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अरे तुम दोनों क्या बैठे हुए हो, जाके बुला के लाओ अपनी बीवी को। हाँ भाई, तेरा आशिक नाम मुराद हमारी कहां कहां कैसे कैसे बेइज्जतियां करेगा ये एक साथ बता दे। मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी की बेइज्जती करके चला गया और तुम बुद्ध बन के खड़ी रही, जबान क्यों नहीं खींची तूने उसकी? अब्बा मैंने मायरा से बात कर ली है। तू चुप कर जा जोरू के गुलाम, तेरी जिद की वजह से ये दोनों बहनें हमारे घर में बैठी हुई है। बैठी होती अपने माँ के घर में। हुबाब खामखा गुस्सा कर रहे हैं, आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं, तेरा तो कभी कोई कसूर होता ही नहीं है। खबरदार जो आंखें ऊंची की, मेरी बेटी की बेइज्जती करने के बाद आवाज ऊंची कर रही है। मेरे बेटे से अगर मैंने कहा ना, दोनों घर छोड़ कर आएंगे तुझे। अब्बा मैंने मायरा से बात कर ली है, मायरा उस लड़के से बात करेगी, वो यहाँ आएगा, मुझसे हम सबसे माफी मांगेगा और रमशा से शादी भी करेगा। अगर वो मेरे घर की चौखट भी चाटे ना, तो भी अपनी बेटी की शादी उससे मैं नहीं करूंगा। और तू क्यों रो रही है भाई? रुलाएंगे तो हम उनको जिन्होंने तुझे रुलाया। एक एक को कैसे सीधा करूंगा देख। अब आपके कुछ कहने या करने से जो मेरी इंसल्ट हुई वो बदल तो नहीं जाएगी ना? वो बेइज्जती करके गए इतनी मेरी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर मेरा कसूर क्या था, मैंने क्या किया था? तेरे भाई की शरीफजादियां वहां कितने गोल खिला कर आई, अब यहां भी कारनामे दिखा रही। तू भी बोल, तेरा भी अगर कोई आशिक के नाम मुराद है ना, उसको भी बुला ले, वो भी दिल खोल के हमारी बेइज्जती कर ले। फुप्पा आप खामखा में इतना बोल रहे हैं मिशाल को, जो रिश्ता आया था रमशा के लिए वो फुप्पी लेके आई थी, उनका कोई जानने वाला है? देख रहे कैसे जबान चला रही है ये। तो आप भी अपनी जबान देखिए, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। मायरा मेरे बाप से बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीजी नहीं कर रही, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। तलाक कराई, एक दिन तेरी भी और अपनी भी। एक नंबर की बेशरम हो तुम, मेरे बाप से सवाल लड़ाती हो। किसी को तो उनको शटअप कॉल देनी थी ना, तुम सच क्यों नहीं बता देते उनको? कौन सा सच? कि रमशा का रिश्ता राफे ने इसलिए मना किया क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, शकील पप्पा की बेटी है, और तुम लोग एक नंबर के धोखेबाज हो। ये ज़बान बंद करो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझे तुम? मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ जो चुपचाप हड्डियां तोड़वा लूँ, ये बात अपने दिमाग में रखना। कहाँ जा रही हो? पप्पा जान क्या मुझे घर से निकालेंगे, मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बहुत शौक हो रहा है ना घर छोड़कर जाने का, तो फिर तू अकेली नहीं जाएगी, इसे भी साथ लेकर जाएगी। उजड़ेंगी तो दोनों उजड़ेंगी, बसेंगी तो दोनों बसेंगी। मारा खुदा के वास्ते बेटा बस कर दो, अभी तमाशा बहुत हो गया, कर दो, खत्म करो इसको खुदा के वास्ते। तो बोलो मायरा, कुछ नहीं मेरे पास बोलने,
सलमान ने अंदर कमरे में तुम पर हाथ उठाया था। तुम मुझसे कुछ और बात नहीं कर सकती। रमशा ने एक ही जार लगाकर पुपा जान को बताया, इसीलिए वो इतने ज्यादा भड़के हुए थे। शायद तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती। रमशा वाली बात हो या कोई भी बात हो, किसी भी चीज का कसूर हो, एंड में बात यही आती है कि वो हम दोनों ने किया है, और फिर हमें धमकी दे दी जाती है कि हमें तलाक देके घर से निकाल दिया जाएगा। धनी, पापा हर बार इतनी एक्सट्रीम पर क्यों चले जाते हैं? सलमान मेरे साथ ऐसे रहता है क्योंकि वो समझता है कि वो मुझे पोजेस करता है। और सलमान तो मुझे ये भी नहीं समझता। मेरी ज्यादा बुरी बात है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत का कहते हैं कि उनको तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि कैसी मोहब्बत है कि तुम्हें तहफ्फुज़ नहीं दे पाते? मायरा मिशाल, बेटा कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे? अपने कमरों में जाओ। और सुनो, बंद कमरे में शोहर को नाराजगियां नहीं दिखाते। अच्छी बीवियां यही करती, अगर कोई बात गलत हो जाए या बुरी हो जाए तो उसका जिक्र बार बार शोहर के सामने नहीं करती, बल्कि सामने जाने के बाद इस तरह हो जाती है जैसे कोई बात ही नहीं। अच्छा जाओ, और उसके लिए कप चाय भी बना के लेती जाओ। जी। मायरा, तुम्हें अपने फूफा से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वो ऐसी बातें कभी नहीं भूलते और दिल में रखते। फूफे, आपने हमेशा शकील फूफा की सारी ज्यादतियां चुपचाप बर्दाश्त की, सबर से काम लिया। आपने सिर्फ अपने साथ नहीं, अपने बेटों के साथ भी गलत किया है, क्योंकि आपके बेटों ने आपके साथ साबिर होना नहीं सीखा, बल्कि अपने बाप से दूसरों को आजमाना सीखा। उसी तरह से वो मेरा और मिशाल का सबर आजमा रहे। ये शकील फूफा की वजह से नहीं हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। मायरा के साइड इफेक्ट्स, इस टाइटल की पूरी किताब लिखी जा सकती है, हजार सफों की। औरत जब जब अपने हद से बाहर होती है ना, वो ऐसी ही जलील होती है और अपने घर वालों की भी जिल्लत का सबब बनती है। शादी से पहले से लेकर शादी के बाद तक और उसके बाद भी इस घर में, हम सबकी जिंदगी में मसले जो आ रहे हैं, गौर करना इस बात पे, कौन है जिम्मेदार, किसकी वजह से हो रहा? तुम्हारी बहन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार है। क्या? मुझे धुएं से एलर्जी है। तुम्हारे अंदर भी हजार ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे एलर्जी है। अरे बंद करो यार, कर रहा हूं बंद सिगरेट में, सारी रात मच्छर तंग करते हैं। तो क्या सोचा है तुमने? आज जो हुआ है उसके बाद रमशा और वासी का रिश्ता। अरे उस बारे में बात नहीं कर रहा बेवकूफ औरत, जॉब का पूछ रहा हूँ। तुम्हारी फ्रेंड ने कुछ बताया जॉब का?
नहीं बताया। पर आतिर से बात करो, ऐसे क्या देख रहे हो? दोस्त है तुम्हारा, पहले काफी नुकसान करवा चुका है, अब कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ मैं वहां नौकरी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कई बार कहे चीखा मत करो, मुझे चीखने वाली औरतें पसंद नहीं है। मुझे कारोबार करना है, उसके लिए पैसे चाहिए 70-80 लाख। तुम पैसे लाओ, चाहे आतिर से या कहीं और से, मुझे पैसा चाहिए। चलो सोते हैं। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ मैया। जी प्लीज। ओ अब क्या करना है? क्या करना है? कुछ भी नहीं। मायरा बेटी की तरफ से तो अप्रूवल मिल गई थी ना आपको? देखिए नजीब साहब, मैं दो जवान बेटियों की माँ हूँ, उन दोनों के ससुराल वाले हैं, मेरे दामाद हैं, रिश्तेदार हैं। जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। सारी उम्र आपने अपने रिश्तों और खानदान के लिए सब कुछ किया, अब अगर आप अपनी खुशी के लिए उनसे कुछ मांगेंगे तो उन्हें फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे इसका मतलब है कि आपने जो कुछ उनके लिए किया वो सब बेकार। ये रिश्ते, ये खानदान, ये किस लिए होता है? आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी खुशियों में मदद देने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। ये बातें करने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देखिए मैं तो एक ही बात चाहता हूं, जब तक आप डरते रहें तो सामने वाला आपको डराता रहेगा। जिस तरह मायरा बेटी ने रिएक्ट किया है, हो सकता है कि दूसरी बेटी भी उसी तरह रिएक्ट करे, और आपके दोनों दामादों को आपकी दूसरी शादी पर कोई एतराज ना। अगर आप कहें तो मैं आपकी बेटियों के ससुराल चला जाऊं। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा आप। तो फिर मैं आपके घर आऊं, आपकी माँ जी से बात करूं? वो नहीं समझेंगे नजीब साहब। ये सब कुछ आप खुद से सोच के बैठी हुई, एक बार सिर्फ एक बार आप अपनी अम्मा जी से बात करके तो देखिए। देखिए हमारे पास नौजवानों की तरह ज्यादा वक्त नहीं, अगर हमने एक साथ रहना है तो हमें यह फैसला बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि यही वक्त है जब मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी जरूरत है। आप अम्मा जी से बात करेंगी ना? वालेकुम अस्सलाम यार।
वाह भाई अम्मा, बड़ी करोफर वाली मुलाजमा रखी है तुमने। बलका वाली जिंदगी जी रही हो मजे ही मजे। क्या करती और मैं? अरे बेटियां तो चली गई दोनों तुम्हारे घर, नुदरत सुबह की निकली निकली शाम को वापस लौटती है। कोई तो होना चाहिए था ना मेरी देखरेख के लिए। यही तो, यही सोच के आया हूँ कि तुम दोनों हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। भाई कुछ तो खुदा का खौफ करो, जो मुंह में आता है बस कह देते हो। एक तो वो मेरी बेटी का ससुराल, ऊपर से नुदरत की दोनों बेटियां भी वहां पर हैं, तो क्या मैं और नुदरत अच्छे लगेंगे वहां जाकर रहते हुए? अच्छे बुरे का तो पता नहीं अम्मा, मगर मैं ये घर बिकवाने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कोई मुरव्वत कोई रवादारी तो दिखाओ कम से कम, जो मुंह में आता है बोल देते हो। अम्मा गुजर गए ये रवादारी मुरव्वत लिहाज, ये वाले जमाने लद गए सारे। साफ और खरी बात करनी चाहिए भाई बंदे को। अब असल में तो वो दोनों बच्चियां ही मालिक है ना इस घर की, और उनके तवस्सुत से मालिक कौन हुआ? मैं और मेरा बेटा। अब वो कारोबार करना चाहता है, मैं उसके साथ कारोबार करना चाहता हूँ, मिलके कारोबार करेंगे, पैसा लगाएंगे वहां। अफसोस है तुम पर। अरे उसकी खातिर तुम हमारे सरों से छत छीन लोगे क्या? अम्मा छत छीन नहीं रहा, छत दे रहा हूँ। भाई हमारे घर में रहोगी, भाई उधर समन है, मिशाल है, मायरा है, थोड़ा बहुत रमशा भी कर लेती है, सब मिलके तुम्हारी खिदमत करेंगे, मुलाजमा की भी जरूरत नहीं। नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता ये बिल्कुल। और नुजरत तो बिल्कुल ही नहीं मानेगी इस बात के लिए। उसको समझाओ कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना पूरा खानदान उठा के इस घर में ले आऊं। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बस एक मसला है कि वो घर अच्छे पैसों में बिकेगा नहीं। करोड़ मिल जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 1.25 करोड़ मिल जाएगा भाई, ये घर अच्छा बिकेगा भाई। तो इसलिए कह रहा हूं कि उन बच्चियों का जायज हक उनको दे दो और खुदा लल्ला करो भाई। तुम मुझे और नुदरत को सुकून से मर तो जाने दो शकी। अरे भाई तुम भी अजीब औरत हो अम्मा, मैं चैन से जीने की बात कर रहा हूँ, तुम मरने की बात कर रही हो। अरे सोचो उन बच्चियों को उनका शरई हक दे दो। ठीक है सोचती हूँ इसके बारे में। सोचो सोचो ठंडे ठंडे सोचो भाई। ये भी सोच लेना कि मायरा और मिशाल अगर खुदा ना खास्ता इस घर में आके बैठ गई तो जो बात आज प्यार से समझा रहा हूं कल को तुम मजबूरन सोचोगी। चाय कैसी है? मीठी है। चल रहा हूं। अम्मा वो आपकी दवाएं हैं या खत्म हो गई? वरना मैं ले आऊंगी। नहीं है अभी। चलें तो अच्छी बात है, वरना वक्त बे वक्त खत्म हो जाए तो खामखा की परेशानी होती है। ठीक है ले आना। अगर मैं ये घर बिकवाने आया हूं, अरे सोचो उन बच्चियों को उनका शरई हक दे दो। ये भी सोच लेना कि मायरा और मिशाल अगर खुदा ना खास्ता इस घर में आके बैठ गई तो जो बात आज प्यार से समझा रहा हूं कल को तुम मजबूरन सोचोगी। क्या सोच रही हैं? सब खैरियत है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे पूछने वाली थी। जब से वापस आई हो बहुत चुप चुप हो, कोई खास बात है? नहीं अम्मा वो बस यूनिवर्सिटी में काम बहुत ज्यादा है ना तो मैं थक जाती हूँ बस, और तो कोई बात नहीं। सिर्फ एक बार आप अपनी अम्मा जी से बात करके तो देखिए।
ये चाय तुमने बनाई है? हाँ। सबके लिए इतनी मनहूस चाय बनाती हो या मेरे साथ कोई दुश्मनी है तुम्हारी? उस बात को एक हफ्ता हो चुका है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं था उस बात में। भूल जाओ उस बात को। मायरा, मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलती और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगी। तुम्हारी मर्जी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें मुझसे किस बात की जलन है? ये तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे क्यों जलूंगी? मुझे क्या पता, ये तो तुम्हें पता होगा ना। क्या बात है भाई? जब मैं चाय बनाती थी तब तो आप मुझे बहुत बातें सुनाती थी, अब जब ये बुरी चाय बनाती तो कैसे पी लेती आप? वो जरूरी बात करनी है आपसे। कहो बेटा। अकेले में करनी है। क्या क्या जरूरी बात करनी है तुमने? मेरी शिकायतें लगाने के अलावा और क्या बात करनी है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दो आप। रमचा, खामोश हो जाओ और जाओ यहाँ से। मम्मी, आप सिर्फ मुझे ही बोलती हैं, अपनी भतीजों को कभी कुछ नहीं बोलती, ना आपने कभी मेरे बारे में सोचा है। क्या बात है? कहो। वो मैं नौकरी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत बार सलमान को कहा है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा। वो चाहता है मैं जॉब करूं। आप बताइए मैं क्या करूं? बेटा, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? क्यों नहीं कह सकती? आप कह सकती हैं, आप समझाएं सलमान को। बेटा, मेरा ख्याल था कि वो शादी के बाद बदल जाएगा। कुछ बदल भी जाता वो अगर। अगर क्या पापा? अगर तुम उसे इतने तमाशों के बाद ना मिली होती तो आपको भी यही लगता है कि कसूर मेरा है? देखो बेटा, तुमने ना शादी से पहले ही सलमान के साथ एक जिद बांध ली थी और वो ऐसा ही है। अगर उसे कोई रद्द कर दे, उसे नीचा दिखाए, तो वो फिर उस शख्स से जिद बांध लेता है, फिर आप उसे लाख समझाए, वो तस्सीमस नहीं होता। वो सलमान मुझसे पैसे मांगता है, वो कहता है कि मैं नौकरी करूं, वो तो ये तक कह चुका है कि मैं आदर के पास जाके जॉब करूं। मैंने उसको बोला मैं उस ऑफिस में नौकरी नहीं करूंगी लेकिन वो। बेटा, खुदा के वास्ते, मैं सब और नहीं सुन सकती। अगर आपको सुनने में इतनी तकलीफ हो रही है तो आप सोचिए मैं बर्दाश्त कैसे कर रही हूँ। दुनिया का कोई भी गैरतमंद शोहर अपनी बीवी के साथ इस तरह से। बेटा नहीं करो मुझसे ये बातें, मैं नहीं सुन सकती। अब तो मुझे माजूर समझो, बेबस या मेरे बेटे की तरह बेशर्म। तुम दोनों के रिश्ते के दरमियान ना एक दरार आ चुकी है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अगर तुम चाहती तो इस रिश्ते को बचा सकती थी, सुधार सकती थी, सलमान को सुधार सकती थी। अगर तुम नाकाम हो चुकी, ज्यादा वक्त तो आपने गुजारा है सलमान के साथ पापा। आप उसकी माँ हैं, उसकी परवरिश की है आपने, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, नाकाम मैं हुई हूं या आप? बेटा, तुम हर बात को ना बहस और दलील से जीतना चाहते। तुम्हारी दलील सच्ची भी होती, तुम जीत भी जाते, लेकिन सोचो
क्या ये अफसोस की बात नहीं कि तुम सिर्फ बहस जीतती रिश्ता हार जाती? तुम अगर अकेली इस घर में होती ना तो कब की रस्सियां तोड़ा के भाग चुकी, मगर तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल, उसकी खुशियां जुड़ी हैं तुमसे। तुम सलमान के लिए, मेरे लिए, अपने ससुराल वालों के लिए या इस दुनिया के किसी भी शख्स के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहते। तुम हम सबसे अपनी बहन को अलग रख के सोचो मायरा, और किसी से नहीं, कम से कम अपनी बहन से रिश्ता निभा दो। बगैर किसी दलील और बहन से सलमान के लिए, मेरे लिए, अपने ससुराल वालों के लिए या इस दुनिया के किसी भी शख्स के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहते। तुम हम सबसे अपनी बहन को अलग रख के सोचो मायरा। जिंदगी मेरी है लेकिन इसकी डोरें औरों के हाथ में हैं। मैं तो उसे कभी मिलना नहीं चाहती थी, भूल जाना चाहती थी, कोई ताल्लुक, कोई मदद, कोई बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पप्पू ने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। अब मैं क्या करूं? ये बात आया, किस्मत बार बार तुम्हें उसके सामने क्यों लाके खड़ा कर देती है? राफे को भी अंदाजा नहीं था कि जिसके घर वो रिश्ता लेने जा रहा है वो सलमान की बहन है। फिर क्या? कुछ भी नहीं। मुझे ये बताओ, मायरा ने या उसके हस्बैंड ने दोबारा तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, तो अभी तक तो नहीं। प्रॉमिस मी आदर, तुम उनसे दूर रहोगे। दूर हूं? I mean, I really don't know, मायरा सलमान के साथ मिली हुई है या नहीं मिली हुई, लेकिन मायरा ने तुम्हें मिसयूज किया है। एंड हु नोज, आगे भी तो कर सकती है। सो प्लीज, मेरी एडवाइस है, फासला रखो उनसे। छोड़ो ये सब, तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुमने क्या सोचा है? अपने बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आगे की जिंदगी की, तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। पहले इतने बैड एक्सपीरियंस के बाद सेकंड के लिए आई एम नॉट रेडी फॉर इट। क्यों? जरूरी है? अगर जिंदगी में पहला तजुर्बा बुरा हो तो आगे भी बुरा ही होगा। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना इंसान। किसका है? मायरा। आते तुम फोन नहीं उठा रहे।
रिप्लाई तो करना चाहिए मुझे। Give me a minute, please. Hello. Hello, Assalamu Alaikum. Walaikum Assalam. कैसे हैं आप? I'm good. बिल्कुल ठीक हूँ। सुन के अच्छा लगा। आप कैसे हैं? आतिल? जी जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे दोबारा मिलना नहीं चाहती थी, मगर मैं मजबूर हूं। आप अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे इतना मजबूर और बेबस क्यों रहते हैं? क्योंकि औरत को अपना रिश्ता बचाने के लिए, निभाने के लिए जिंदगी के हर मोड़ पे बेबस और मजबूर होना पड़ता है। समझ गया आपने मुझे किस लिए बुलाया। यकीनन आपको मुझसे कोई काम है। सही तरह कहिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ? वासे जब से मेरे घर आए और उसने जो किया है उससे मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है। वासे को तो मालूम भी नहीं था वो आपके घर जा रहा है, और वैसे भी ये तो बहुत पुरानी बात है, काफी दिन हो चुके हैं इस बात। हाँ, लेकिन उठते बैठते रोज मुझे उस बात के ताने सुनने पड़ते हैं। क्या चाहते हैं? वासे को आपके घर भेजो कि सब लोगों से जाके माफी मांग ले, या फिर उसे ये कहूं कि वो सलमान की बहन से शादी कर ले? बताइए क्या चाहते हैं। मतलब आप अपने काम के लिए मुझे मिलने आ सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़ी तो मैं याद आ गया, इसमें मैं कहा हूं? मैं, मेरी मोहब्बत, मेरा खलूस तो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, वो तो शायद आपके लिए कभी भी मैटर नहीं करता था। मैं सिर्फ अपना दोस्त समझ के आपसे मदद मांगने आई थी। लेकिन शायद मैं गलत थी। आप तो आज तक पुराने हिसाब किताब दिल में लिए बैठे। आते मैं सच में आपको तंग नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं सुन रहा हूं, आपके ये क्या मजबूरी है? नौकरी चाहिए मुझे, सलमान चाहता है मैं काम करूं, और ये बात मैं आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। मायरा, आप अच्छी तरह जानती हैं जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसके बाद मैं कम से कम अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में आपको जॉब नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कहीं और नौकरी दिलवा सकते हैं? आतिर, क्या हुआ? कुछ नहीं, तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि वो शख्स आपसे नौकरी करवाना चाहता है और वो घर पर ऐयाशी करना चाहता है, वो भी अपनी बीवी के पैसों पर। इस किस्म का आदमी है वो? क्या वो जानता है कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं? क्या ये बात मालूम है उसको?
क्या आप मेरे साथ बैठी हैं? क्या उसने भेजा है? बहुत ही बेनेहरत आदमी है वो, तो ये बात हमेशा से जानती थी और शायद मैंने आपको इसके बारे में वार्न भी किया था। He's a user. वो यूज कर रहा है आपको। मुझे याद है आपकी सारी कही हुई बातें। आप अब भी उस आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हैं? सलमान को कारोबार करना जिसके लिए उसको 70-80 लाख रुपए चाहिए। लाख उसको आपको मेरे पास भेजते हुए डर नहीं लगा? डर किस बात का? अपनी बीवी को उसके एक्स लवर के पास भेज रहे हो? इसका मतलब समझते हैं आप? से लाख कैसे मांगू टू